भगवान दूर नहीं तुमसे दीक्षित, भगवान परे नहीं तुमसे, पराये नहीं है, तुम्हारा आत्मा ही भगवान। बाबा रामदेव के आश्रम के आसपास जहाँ भी उनका शरीर रखा होगा वही मंडारता होगा उनका अंतःकरण। मैं तो वो संकल्प करके वो जगह देखी है, आप भी उनको मदद कर सकते हैं, मृतक व्यक्ति को आप बड़ी मदद कर सकते हैं। मौन रख करे, भावना करे, उस मृतक जीव को कहें कि तुम शरीर पड़ा है वो देख रहे हो। जो व्यक्ति मर जाता है तो सवा 2 घंटे के बाद उसकी मूर्छा टूटती है, उसके सूक्ष्म शरीर की, फिर आकाश में वैसे होता है, फिर देखता है जैसे और लोग मुर्दे को देखते हैं, ऐसे अपने मुर्दे शरीर को देखता है। और कौन रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, कैसा है, वो 3 दिन तक उसका उधर ही भ्रमण होता है, इसीलिए तीसरा मना के उसको विदाई दी जाती है। फिर किसी किसी का आसक्ति है, कोई आया नहीं आया तो 12वां भी मनाते हैं। तो जो मृतक व्यक्ति है वो उसी माहौल में है, तो संकल्प करके आकाश में वो वही है। तो मैं तो अभी कर दूंगा संकल्प राजीव दीक्षित के लिए। ऐसे आपका कोई घर में कुटुंबी में देखा हुआ व्यक्ति चला गया है और आप 50 माइल या 5000 माइल दूर है, तो आप जहाँ चला गया उस जगह की भावना करके उसको संकल्प से कह सकते हैं कि तुम मरने वाले शरीर नहीं हो राजीव दीक्षित, तुम चैतन्य हो, इसको देखने वाले हो, साक्षी हो, तुम्हारी कभी मौत नहीं होती, वो तुम अमर हो। और तुम्हारा लक्ष्य जो भारत की सेवा का था उसके लिए तुमको फिर से आना है। तो भारत में तो बहुत जगहें हैं, और साईं के परिवार में भी जगह है, नारायण के घर में भी जगह है। इन्हीं गतियों पे आकर भी तुम कर सकते हो, अथवा जैसा आपका चित्त में शुभ संकल्प हो, भगवान आपको बिल्कुल मदद करेंगे। और भगवान दूर नहीं तुमसे दीक्षित, भगवान परे नहीं तुमसे, पराये नहीं है, तुम्हारा आत्मा ही भगवत स्वरूप है। ओ